जब मैं ओवरसीज की बात करता हूं सर, सर बीसी एससी एंड एसटी में फॉर द ईयर 2021 के भी एप्लीकेशन आ गए हैं, बुला लिए हैं, लेकिन माइनॉरिटीज में सर ओवरसीज स्कॉलरशिप जो है 2020 में सिर्फ एक ही वक्त बुलाए, एप्लीकेशंस बुलाए, लेकिन उसके बाद और एक वक्त बुलाना था 20 में नहीं बुलाए, 21 में भी बुलाना था नहीं बुलाए, अब तक एप्लीकेशंस तक नहीं बुलाए हैं सर, और पुराने अमाउंट भी देना बाकी है। सिर्फ 2019 में बुलाए एक वक्त लास्ट, और 2020 में एक वक्त बुलाए, कितने पेंडिंग है? आई हैव द डिटेल सर। ओवरसीज स्कॉलरशिप में बच्चों के कोर्स खत्म हो गया, एक साल का कोर्स था साहब, कोर्स खत्म हो गया, वापिस आ गए, सैंक्शन हुई लेकिन अमाउंट रिलीज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? आप अगर नहीं देना है तो बोल दो नहीं देते, लेकिन एक झूठी आस, एक झूठी उम्मीद क्यों देते हैं उनको सर? और आप देखिए अगेन एससी और एसटी कॉरपोरेशन में जीआरई, जीमैट, टोफल के लिए ट्रेनिंग के सेंटर्स हैं क्या? माइनॉरिटी में जीआर और जीमैट और आइल्स के और टोफल की ट्रेनिंग दे रहे हैं क्या? सेंटर्स हैं आपके? नहीं है, नहीं देते हैं। व्हाट आर द ऑफिशियल्स डूइंग? आई वांट टू नो। आई एम सॉरी टू से दिस, एज लॉन्ग एज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, एज लॉन्ग एज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब वॉज लुकिंग आफ्टर द माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, द माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट वॉज डूइंग वेरी गुड द डे ही लेफ्ट। दिस इज द पैथेटिक स्टेट ऑफ द माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, आई वुड से सर। टू फ्रेश एप्लीकेंट ट्वाइस इन अ ईयर कोइंसाइडिंग विद एडमिशन स्केड्यूल इन फॉरन यूनिवर्सिटीज सर। सर सर मैं आपके जरिए पूरी तफसीलात है सर मेरे पास। अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम द डिपार्टमेंट, एयर फेयर रीइंबर्समेंट वॉज मेड टू 1908 माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वॉज डिसबर्स टू 1752। अब आप देखिए सर, 1908 स्टूडेंट्स को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिए, आप उनको रीइंबर्स करे हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप 1752 को दिए, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 1673, रिमेनिंग एप्लीकेंट्स का एयर फेयर पेंडिंग है, 327 एप्लीकेंट्स का पेंडिंग है, कब देंगे आप? एट द रेट ऑफ 50,000, 1.64 करोड़, इंस्टॉलमेंट 483, एट द रेट 10 लाख रुपीज, 48.30 करोड़, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 562 एट द रेट ऑफ 10 लाख इज इक्वल टू 56.20 करोड़, टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज 106.14 करोड़ आर अवेटिंग फॉर डिसबर्समेंट। अगर मैं गलत हूं तो बोल दीजिए गलत है। अगर 106 करोड़ रुपया अगर मिल जाता है सर, तो ओवरसीज स्कॉलरशिप के नए एप्लीकेंट नहीं बोल रहा हूं सर, पुराने एप्लीकेशंस के जो पैसे बाकी है वो चले जाएंगे और नए एप्लीकेशंस को भी दे देंगे सर। आई एम टोल्ड द माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट इनिशिएटेड एप्लीकेशन ओनली वंस इन 2020 और उसके बाद में स्प्रिंग के सीजन में नहीं लाए, तो मैं मुतालिबा करूंगा कि आप ये पूरे एरियर्स जो बेनिफिशियरीज के हैं ओवरसीज स्कॉलरशिप के, काइंडली उसको क्लियर करिए, रिलीज करिए सर। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट शुड डायरेक्ट टू ऑल कॉल फॉर अ फ्रेश एप्लीकेशंस आल्सो, नए एप्लीकेशंस को बुलाइए, मंगवाइए सर। सर उसके बाद में सर अब मैं आता हूं आरटीएफ पे सर। सर वन मेजर इश्यू परसिस्टिंग फॉर द लास्ट 5 years इज द टाइम लैग बिटवीन द सैंक्शन ऑफ स्कॉलरशिप एंड द आरटीएफ रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस एंड रिलीज ऑफ अमाउंट टू द बेनिफिशियरीज। Those who apply in particular academic year get the scholarship and the RTF amount only in next academic year.